वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली राकेश, कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, दुनिया के 200 देशों में आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई है छुरियां। भाई साहब, दुनिया का एक ऐसा देश है पाकिस्तान जिसके अंदर सेलिब्रेट नहीं हो रहा, लेकिन भाई दुनिया में ये हिंदू फेस्टिवल को सेलिब्रेट जब करता देख रहे हैं तो ये बौखला रहे हैं। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ये तो बौखलाहट के शिकार, ये कोई इंडिया की तरह चीज देखनी होती हुई है बौखलाहट के शिकार। भाई साहब, यहाँ पर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म की दुनिया में ऐसी जीत हो रही है कि भाई इनके मुसलमानों की नहीं हो रही। बिल्कुल, तो वॉच करते हैं, देखते कौन ऑन करते स्टार्ट। पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है तो इसराइल भी कहां पीछे रहता। यहूदी होने के बावजूद भारत में इसराइल के राजदूत ने दूतावास में सभी महिलाओं से राखी बंधवाई। इनमें भारतीय और इजरायली दोनों महिलाएं थी। रिसेंटली रक्षाबंधन का इवेंट, वैसे तो ये भारत का इवेंट है, लेकिन अगर हम कहें कि अब ये पूरी दुनिया का इवेंट होता नजर आ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है। और राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप। ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्यौहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। बल्कि अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत से मनाया जाता है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में। इवन हमने तो इस बार फॉरेन कंट्री में भी देखा है कि रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया है कि भाई बहन का रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लोग इस रिश्ते को बहुत वैल्यू करते हैं, लोग इस रिश्ते को बहुत सम्मान देते हैं। मतलब हमने इंडिया को दुनिया में पोर्ट्रे किया हिंदू, अपने आप को मुस्लिम, हम उस माइंडसेट से नहीं ना निकल पाए। हमने इंडिया को दुनिया, और अभी भी कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं और उनको हिंदू लेंस से देखें, दुनिया उनको देख रही है कल्चरल लेंस से, दुनिया उनको देख रही है सॉफ्ट पावर से। वो क्या, उसके पास क्या जादू है जो हमारे पास नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है, अल्लाह का रास्ता है, नबी का रास्ता है, तो वो क्या है इस पाकिस्तान में? क्या नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये त्यौहार भाई पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और पूरे देश भर में ही नहीं, ये त्यौहार भाई पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। चाहे हम बात करें यूएसए, इजराइल, मुस्लिम देशों में भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि भाई भारत के त्योहारों को किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ निकल के ये सामने आ रही है कि इजराइल के दूतावास में इजराइल के राजदूत ने सभी फैनों से राखी बंधवाई है। जो भी वहाँ पर महिलाएँ मौजूद थी, चाहे वो इसराइल की थी या फिर चाहे वो इंडिया की थी, उन्होंने भाई राखी बंधवा के खूब मतलब जश्न के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि भाई भारत के त्यौहार की को कितनी वैल्यू दी जाती है, भारत की कितनी वैल्यू करी जाती है। दोस्तों अब क्या करें, जो सनातन धर्म है उसकी बात ही कुछ ऐसी है कि भाई लोग चाहकर भी इससे दूर नहीं हो पाते। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विश्व भर में भाई सनातन धर्म का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, और ये सब है इसकी सुंदरता की वजह से। दूतावास में काम कर रही सभी महिलाओं ने भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन को भाई मानकर राखी बांधी है। नाओर गिलोन राखी बंधवाकर खुश भी थे और भावुक भी। भावुक इसलिए क्योंकि भारत में उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन है, वो भारत को अलविदा बोल रहे हैं। रक्षाबंधन का जो इवेंट गुजरा है और मैंने जिस तरीके से देखा सेलिब्रेशन, जब मैं मतलब मेरा इतना नॉलेज नहीं है इन चीजों में, मैं ये समझता था ये हिंदुओं का त्यौहार है ये इस तरीके से, लेकिन जब मैंने थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता चला इसे हिंदुइज्म के अलावा जैनिज्म में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में, इवन इंडिया के जो मुस्लिम है वो भी सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे बताएं आपने कितनी राखियां बांधी और ये जो बात है इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, इसमें बहुत सच्चाई है शोएब। और रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत से मनाया जाता है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में। इवन हमने तो इस बार फॉरेन कंट्री में भी देखा है कि रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया है कि भाई बहन का रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लोग इस रिश्ते को बहुत वैल्यू करते हैं, लोग इस रिश्ते को बहुत सम्मान देते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा कह दूंगी तो फिर सबको बुरा लग जाएगा,
बात देखिए ऐसी है कि हमारे इस्लाम के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, उनको भाई बहन के रिश्ते के बारे में क्या ही बोलना। हमारा यहाँ तो कजन से शादियां हो जाती हैं भाई, हम बचपन से जिसको भैया भैया बोलते हैं उसको जवान होने के बाद सैया बोलना पड़ता है, निकाह पढ़ लेना पड़ता है। तो यहाँ जो हिंदू सनातन धर्म में जो भाई और बहन का जो रिश्ता बताया गया है, मेरा तो अपना, अपने भाई को तो मैंने राखी नहीं बांधी है जितने के जितने, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, माँ के पेट से कोई भाई नहीं हुआ है, हम तीन बहने ही हुए हैं। जितने के जितने मैंने 500-700 कल राखियां बांधी है, वो सब के सब मेरे राखी भाई, सब के सब राखी भाई है। और जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान के 82% हिंदू भाइयों की वजह से आज नाजिया इलाही खान इतनी सुरक्षित है मुसलमानों पर, जिस तरह से रक्षाबंधन में बताया गया है, एक बाउंड बताया गया है, एक खूबसूरत रिश्ता बताया गया है भाई बहन के बीच में, साथ साथ भगवान कृष्ण और उनकी बहन दारूपति का जो एक मीठा सा रिलेशन बताया गया है वो बहुत खूबसूरत। यूएई मनाता है राखी, सऊदी मनाता है राखी, यूएस तक मनाता है राखी, क्रेज लोग हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ है, एक यहाँ पर उन्होंने अमेरिका का और साथ ही उन्होंने भारत का झंडा पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है, और वो माँ अपने बच्चों को कह रही है भाई राखी बांधो, इट्स वेरी गुड, मतलब वो अंग्रेजी में समझा रही है कि ये त्योहार बहुत अच्छा, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। तो आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं उन ममालिक की, यूएई की बात कर रहे हैं हम, दुबई की बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक के अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, यूएस वगैरह की भी बात करें, यूके की भी बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान है जो अभी तक यही रोना रोकर बैठा हुआ है कि क्रिश्चियन इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है, इसलिए वहां की वीडियोस वायरल हो रही है। ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है हमारे भाई, आज कलेजों पर दोबारा सांप लोटपोट हो रहा है और कलेजों को डस रहा है इन पाकिस्तानियों को कि भाई आखिर हिंदू फेस्टिवल क्यों दुनिया मना रही है। अमेरिका की एक वीडियो वायरल हो रही है, एक माँ अपने बच्चे को कह रही है अपनी बहन को राखी बांध, भाई ये बहुत अच्छी चीज है, तू इसकी प्रोटेक्शन करेगा। ये देख हिंदू फेस्टिवल का जोश देखो, आज दुनिया का 200 देश पाकिस्तान को छोड़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक मुसलमान महिला भारत की कहती है मैंने 800 हिंदुओं को राखी बांधी, आज उन हिंदुओं के बीच में सुरक्षित हूँ। आप अंदाजा लगा क्या पाकिस्तान में, क्या भाई बहन आपस में सुरक्षित हैं? नहीं ना भाई साहब, कल को कजन एक दूसरे को भाई बोल रहे होते, कल खबर आती चलो भाई तुम्हारी शादी है, तैयार हो जाओ। बिल्कुल, ये तो यही चीज भाई बहन की शादी, ये चीज नहीं है ना वजह, ये चीज ना राखी बांधने का मतलब क्या है बहन भाई, और वो वाक्य में यही मतलब होता है। ये देखो मुसलमान कह रहे हैं कि मैंने 600-700 राखियां बांधी हैं, और भाई आप खुद देखो दुनिया के हर इस्लामिक देश में सेलिब्रेशन हुई है पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान के कलेजे पर आग लगी हुई है कि भारत की इतनी भाई साहब धूम कैसे मच गई, सनातन धर्म उड़ कैसे पड़ा, भाई साहब हमारे मुसलमान तो भाई साहब अब हिंदू धर्म में आएंगे इनके भाई, ये सब ये तो नहीं कहते, ये तो बोलेंगे ये हिंदू का त्योहार है, हम ये तो फतवे लगाते हैं भाई फतवे, लेकिन वही बात है कि भाई बहन की यार सऊदी अरब में मनाया जा रहा है, यूएई में कोई भी इस्लामी मुल्क उठा रहे सब मनाया जा रहा है, उधर अंग्रेज देख वो भी मना रहे हैं, इनमें ये पाकिस्तान ने वेकला है कि ये नहीं मनाता भाई साहब, इनके कलेजे पे सांप सूंघे लोट पोट, और देखो इसराइल का जो एम्बेसडर देखो उसका अखीला दिन था, उसने देखो लड़कियों से बनाई है राखी, अखीला दिन अपने सारे जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको बहन माना, ये देख लो उसका अखीला दिन था। ये प्यार है, ये मोहब्बत है सनातन धर्म की, जिसके अंदर हम भी आए हुए हैं यार, यकीन मानो कि भाई ये जो भाई कट्टर जो देश के ये जो हमारे पाकिस्तान के लोग है ना, इंसान बन जाओ, तुम्हारे दादे भी हिंदू थे, तुम्हारे दादी भी पहले राखियां ही बांधा करते थे। बिल्कुल, तो यार भाई आपके क्या थॉट है जो इतने धूम से इस दुनिया में रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।